जी अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बताना कि अगर आपने यूएई में आना है तो आपने यहाँ पे नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है, मतलब आपने लोगों के साथ लिंक कैसे बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेकिन पहले आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि जो भी आने वाला है यहाँ पे सितंबर में या अक्टूबर में, जब भी आप आने वाले हैं यहाँ पे जॉब हंटिंग के लिए या किसी भी मकसद के लिए यहाँ पे आने लगे, तो आपने यहाँ पे आके लिंक्स कैसे बनाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे से काफी लोग ये पूछते हैं कि हमने जॉब हंटिंग के लिए आना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए जब हमने यहाँ पे आना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने यहाँ पे यूएई में आना है, अगर आप जॉब हंटिंग के लिए आना चाहते हैं या बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं और यहाँ पे आके अपनी एजेंसी बिल्ड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने अपने कनेक्शंस बिल्ड करने हैं। कनेक्शन से आपको, कनेक्शन एक वर्ड से आपको समझ आ गया होगा कि मेरा लिंक कहाँ पे जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि लिंक्डइन एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है कनेक्शन बिल्ड करने का। आप यहाँ पे आना चाहते हैं, सबसे पहले आपने अपना माइंड बनाना है कि आपने यहाँ पे आना है तो आपने किस एमिरेट में रहना है, मतलब अगर आप अबू धाबी में रहना चाहते हैं या अगर आप दुबई में रहना चाहते हैं तो आपने वहाँ के लोगों को कैसे ऐड करना है। उसके लिए सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे। गूगल पे जाके आपने कंपनीज को सर्च करना है। कंपनीज को सर्च करने के बाद आप वहां की उनकी टीम को सर्च कर सकते हैं। टीम को सर्च करने के लिए आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप लिंक्डइन पे जा सकते हैं। अगर आप लिंक्डइन पे गए हैं, वहां पे जाके आपने अपने जो आपसे रिलेटेड लोग हैं, आपके फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, आपने उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है। अब कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने का बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप एक अच्छा सा मैसेज क्राफ्ट करें, ठीक है, वो उनको मैसेज भेजे तब ही आप उनको रिक्वेस्ट भेजें। ये एक अच्छा तरीका होता है, एक प्रोफेशनल तरीका कंसिडर किया जाता है। लिंक्डइन पे आप अगर आप जॉब हंटिंग के लिए आना चाहते हैं तो आप एचआर को ऐड कर सकते हैं, रिक्रूटर्स को ऐड कर सकते हैं। आप डिफरेंट वहां पे कंपनीज के पेजेस देख सकते हैं, उनकी जाके टीम को देख सकते हैं, वहां पे जो लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफ द फील्ड जाके लोगों को ऐड करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। आप 5-6-10 हज़ार कनेक्शन तो ऐड कर लेते हैं लेकिन आपको उसमें से कोई फायदा नहीं निकलता। तो इसलिए सबसे पहले आपने लिंक्डइन को बहुत अच्छी अप्रोच बनाना है लोगों को ऐड करने के लिए, कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। उसके बाद आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि डिफरेंट इवेंट्स, डिफरेंट सेमिनार्स होते रहते हैं। अब वो आपको कहाँ से पता चलेगा, वो भी आपको लिंक्डइन से पता चल सकता है। लिंक्डइन आप देख सकते हैं, लिंक्डइन पे डिफरेंट कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो अपने सेमिनार्स को, इवेंट्स वगैरह करवाते रहते हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आप फेसबुक से जाके देख सकते हैं जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, जो सेमिनार्स हो रहे होते हैं, वहां पे आप जा सकते हैं, फिजिकली वहां पे जाके लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लोगों के साथ बातचीत करके अपना, सबसे पहले बिजनेस या अपना सर्विस कार्ड बना के आए, आप लोगों से मिले, आप उनको वो कार्ड दे सके ताकि लोगों को पता चले कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या आपका क्या बिजनेस है, ठीक है। क्यूआर कोड बना के आए अपने, यहाँ पे आके आप लोगों के पास मिल के लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट इवेंट्स पे जाके, डिफरेंट सेमिनार्स यहाँ पे होते रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको पे करके कहीं जाना पड़ता है, बहुत से फ्री सेमिनार्स, फ्री इवेंट्स भी यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं जिनको आप जाके वहाँ पे लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक इवेंट पे गई थी, ठीक है, एक्स वाई जी एक इवेंट था उसके ऊपर मैं गई, वहां पे जाके मैं काफी लोगों से मिली, तो उसका रिजल्ट ये निकला कि वहां से मुझे 2 प्रोजेक्ट्स मिले, ठीक है। तो यहाँ से आप जाके फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो अगर वो हायर नहीं करते, आपको कंपनी में हायर नहीं करते, तो वो आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी दे सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, अभी एक ऐप है, मैं आपको एक ऐप बता देती हूँ, मेरी स्क्रीन पे भी आ रही होगी, तो अब वो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मीटअप एक ऐप है, ठीक है, मीटअप ऐप को जब यहाँ पे आके आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स, डिफरेंट सेमिनार्स, डिफरेंट वर्कशॉप्स आ रही होती हैं, ठीक है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो आप पेड है आप उसकी तरफ ही जाए, आप फ्री वर्कशॉप, फ्री सेमिनार्स वगैरह में भी जा सकते हैं, वहाँ पे लोगों के साथ जाके मिले,
उनके साथ बात करें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, अच्छे तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, आप बताएं कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप कितने अरसे से यूएई में हैं या आप कब आए हैं, ठीक है, आपका क्या क्या एक्सपीरियंस है, आप इस तरीके से कनेक्शंस या नेटवर्क यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है जॉब हंटिंग का भी और फ्रीलांस वर्क ढूंढने का भी। तो जी ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, आपको ये बताना कि अगर आप यूएई में आना चाहते हैं आप किस तरह कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली मुझे बताइएगा, और क्या आपका फीडबैक है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।